नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। भारत नेपाल बॉर्डर को मिली हरी झंडी। जी हां दोस्तों, भारत नेपाल बॉर्डर खुल चुके हैं। तो क्या है पूरी खबर, मैं पूरी खबर आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, भारत ने 22 अक्टूबर को जो सभी प्रकार के पर्यटन वीजा को छोड़कर जितने भी अन्य कामों के लिए जो वीजा होते हैं विदेश में जाने के लिए, वो सारे के सारे ओपन कर दिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां पे भी आपको जाना है वहां पे आप जा सकते हो, वीजा बनवा के जा सकते हो। और फाइनली यहां पे भारत और नेपाल में वीजा की जरूरत नहीं होती, तो वहां पे वीजा भी नहीं लगेगा। तो वहां पे भी जो बॉर्डर्स हैं वो खोल दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, नए वीजा के लिए कर सकते हैं आप आवेदन, लेकिन उसके लिए खास बात का ध्यान रखना होगा कि पर्यटन के लिए आप नहीं जा सकते। उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या, यानी कि जैसे अध्यापन के लिए या फिर चिकित्सा के लिए या फिर किसी कार्यभार के लिए, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है, उसके लिए आप वीजा के किसी भी देश में जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सारी की सारी हवाई जो यात्रा है वो चालू हो चुकी है। इसके अलावा बताना चाहूंगा, भारत ने जो नेपाल की सीमा है वो भी खोल दी है, लेकिन जो नेपाल है वो पहले से ही 16 अक्टूबर को सीमाएं खोलने की कह रहा था, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब न आने के कारण जो नेपाल है उन्होंने आगे बढ़ा दिया। और कोरोना जो बढ़ रहा था, कोरोना वायरस, उसके कारण भी उन्होंने 15 नवंबर तक बढ़ा दिया, जिसके कारण भारत और नेपाल की जो 7 महीने से यहाँ पे सटी जो सीमाएं थी वो बंद पड़ी थी, वो वैसे की वैसे एक बार बंद है वैसे तो, लेकिन नेपाल की प्रतिक्रिया सकारात्मक न होने के कारण नेपाल की ओर से यहाँ पे पुलिस की तैनाती ज्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन भारत की ओर से यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल कर दिया गया है। आप कहीं भी कैसे भी जा सकते हो। मीन्स ये है कि अगर कोई नेपाल का बंदा किसी भी तरह से यहाँ पे नेपाल से अनुमति ले लेता है तो भारत आने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई भारत का बंदा सीधा जाना चाहता है तो जा सकता है, बट उसको नेपाल की जो पुलिस फोर्स है उसको थोड़ा वहाँ पे दिखाना होगा डॉक्यूमेंट वगैरह, या फिर अच्छे काम जैसे भी कोई इंपॉर्टेंट वर्क है वो भी दिखाना होगा। इसके अलावा बताना चाहूँगा, कोरोना के मामले बढ़ने के बाद भारत नेपाल की सीमा 23 मार्च से बंद थी, लेकिन अभी भारत ने ये चीज़ें खोल दी है। नेपाल के अधिकृत सूत्रों ने बताया कि सरकार के आदेश जो आ चुके हैं वही हम मानेंगे, यानी कि सरकार ने पहले ही आदेश दे दिए थे 15 नवंबर तक, यानी कि वो अब ये जो आदेश है वो पलटने वाली नहीं है। तो देन फाइनली कि 15 नवंबर को कन्फर्म यहाँ पे बॉर्डर खुलने वाले हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि भारत ने पहले ही खोल दिए हैं और नेपाल कह रहा है कि 15 नवंबर से हम खोल देंगे। तो अब की बार दोनों देश यहां पे सहमत हो जाएंगे 15 नवंबर तक, यानी कि 15 नवंबर से आवाजाही पहले की जैसी हो जाएगी, लेकिन अभी भी आवाजाही हो रही है और आप कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये थी पूरी खबर। अगर आपको खबर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।